सो गाइज, आज हम लोग आपको व्हाट्सएप के एक ऐसे नए फीचर के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है। गाइज, आपको व्हाट्सएप में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, किसी भी प्रकार का इशू होता है, तो आप अब व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, वो भी व्हाट्सएप चैट में। जैसे कि आप नॉर्मल व्हाट्सएप पर बात करते हो ना, वैसे ही आप व्हाट्सएप से चैट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम उन तक पहुंचा सकते हो गाइज। और इस वीडियो के एंड में हमने आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कही है, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ पर आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, जो कि टॉकबैक से ही रिलेटेड है। तो क्या है ये फीचर, कैसे इसका यूज़ करें, सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और ये फीचर जो अभी व्हाट्सएप बीटा यूज़र्स को मिल चुका है, और ये ऑफिशियल भी जो है कुछ कुछ लोगों तक अभी पहुंचा है ना, अभी पूरी तरह से ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों तक वैसे ही ऑफिशियल भी लॉन्च हो गया। तो आप व्हाट्सएप को सिंपली अप टू डेट रखें तो आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर सभी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि पूरी VI कम्युनिटी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो व्हाट्सएप को कहा है वो VI कम्युनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आपको भी कहना है। तो क्या हमने कहा है और क्या ज़रूरी काम है आप जो आपको करना है, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को आपको ज़रूर शेयर करना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शेयरिंग आजकल बहुत ही कम होती है, और लाइक की तो आप बात ही मत करो, लाइक की कमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, कम से कम लाइक तो इस वीडियो में होने ही चाहिए। इस इम्पॉर्टेंट फीचर के लिए लाइक ज़रूर करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एक्चुअली में पहले क्या होता था, अगर आपको व्हाट्सएप में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो आप जो है व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते थे, है ना, आपका अगर नंबर भी बैन हो जाता था तब भी आप व्हाट्सएप से जो है कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब व्हाट्सएप में ये जो नया फीचर आया है, इसकी मदद से आप व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो भी व्हाट्सएप के द्वारा, है ना। व्हाट्सएप जैसे आप अपने फ्रेंड से चैट करते हो ना, वैसे ही आप व्हाट्सएप की टीम से व्हाट्सएप चैट में ही चैट कर सकते हो, है ना। आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हो, कोई फीडबैक देना चाहते हो वो बता सकते हो, और अगर आपका कोई नंबर बैन हुआ है तो उसके बारे में बता सकते हो। तो आपको डायरेक्टली हेल्प मिलेगी व्हाट्सएप की टीम से, वो भी 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, और ये एकदम नया फीचर है, और ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। तो ये तो आप जान चुके हो कितना इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। आपको सिंपली अपने व्हाट्सएप में चलना है, मैं व्हाट्सएप में चलता हूँ, और ये फीचर अभी बीटा यूज़र्स को मिला है, अभी ऑफिशियली ये फीचर पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है, तो आप वेट कीजिए, आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा। तो मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। व्हाट्सएप में गया मैं, मोर ऑप्शन में आपको चलना है, more options. उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स में चलना है, settings. और यहाँ पर आपको हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, हेल्प सेंटर, है ना, हेल्प सेंटर में आपको जाना है, और आपको यहाँ पर अब ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉन्टेक्ट अस का, कॉन्टेक्ट अस पर आपको जाना है। अभी कनेक्टिंग हो रही है, तो इसको हम कनेक्टिंग होने देते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तब तक आप वीडियो में लाइक कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मेरा नेट जो है बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, तो इसको हम कनेक्टिंग होने देते हैं, लाइक का बटन दबना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पर ही जो है कनेक्टिंग हो चुका है, वो ऑप्शंस देखते हैं क्या आते हैं। नेविगेटर बटन है, मोर ऑप्शन में जो है यहाँ पर एक ऑप्शन है सेंड विया ईमेल, यहाँ पर आप जो है इनको अपनी प्रॉब्लम ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हो, लेकिन ईमेल के द्वारा जो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है। तो बैक करेंगे, तो यहाँ पर एक एडिट बॉक्स है, आपको सबसे पहले ये लिखना है कि आपको किस प्रकार की हेल्प चाहिए, है ना। यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपरली लिखनी है, ताकि आपको बेहतर तरीके से हेल्प मिल पाए। तो अभी हम आगे ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम हम लिखेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी डिवाइस की इन्फो, जैसे कि IP एड्रेस हो गया, है ना, और आपका डिवाइस कौन सा है, मॉडल कौन सा है, ये सब इन्फॉर्मेशन अगर व्हाट्सएप को जाए, तो आप इस ऑप्शन को टिक या अनटिक कर सकते हो, और ये ऑप्शनल है। अगर आप टिक कर देंगे तो आपको बेहतर हेल्प मिल पाएगी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है,
for support with payments, go to open your payments home screen. Open your payments home screen. तो अगर आपको help payment से संबंधित help चाहिए तो आपको payments वाली home screen पर जाना है. We will respond to you in the WhatsApp chat. है ना, हम आपको WhatsApp chat में response करेंगे. Next button available. आपको इतना सब करने के बाद next button पर click करना है. चलिए हम ये सब करते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं. अरे भैया क्या हो रहा है मेरे फोन में. सो गाइज यहाँ पर हमने जो है अपनी प्रॉब्लम लिख दी है, सुन सकते हो. Please improve TalkBack accessibility in WhatsApp voice notes. TalkBack is speaking navigate up button in every voice note and starting. Please solve this bug in next update of WhatsApp. Thank you so much. Text box. है ना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप लिख दीजिए, उसका नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं. We will respond to you next button. Checking help center. अब चेकिंग ये होता है, चेकिंग होने के बाद हम आपसे बात करते हैं. उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ ऑप्शंस आए हैं. Navigate up button help. Do any of these help? अगर इन में से यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम किसी भी संबंधित है तो उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो. मतलब है ना, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है लेकिन हमको यहाँ पर नहीं जाना है, हमको सिंपली लास्ट में चले जाना है. How to share WhatsApp, send my questions to WhatsApp support. Send my questions to WhatsApp support. यहाँ पर आपको जाना है. Send my questions. Sending. Sending. अब ये हो रहा है सेंडिंग. चलिए सेंडिंग होने के बाद हम आपसे बात करते हैं. Stop. सो गाइज यहाँ पर जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करोगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा. है ना, ये व्हाट्सएप का एक चैट सपोर्ट का वेरीफाइड अकाउंट है. देखिए यहाँ पर लिखा है WhatsApp support official support account. है ना, WhatsApp support official support account है ये. More options. This chat is with the official account of WhatsApp. +1551786805 created group WhatsApp support. है ना. Plus thanks for your message. Your ticket number is 83906154. Plus thanks for your message. Your ticket number is 83906401344445. We're reviewing your issue and we'll respond as soon as possible. This is what you wrote. Please improve TalkBack accessibility in WhatsApp voice notes. TalkBack is speaking. Navigate up button in every voice note and starting. Please solve this bug in next update of WhatsApp. Thank you so much. 3:43 PM. तो यहाँ पर आपको जो है टिकट नंबर दे दिया गया है और आपको ये बता दिया गया है कि हम आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे. और आपने जो यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम लिखी है वो भी यहाँ पर आपको बताई गई है. ठीक है, और एक टिकट नंबर यहाँ पर आपको ऐसे ही दिया गया है. अगर आपसे पूछा जाए अब आपको होगा क्या, थोड़े टाइम बाद व्हाट्सएप में एक मैसेज आएगा जिसमें कि आपका रिप्लाई लिखा होगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी. जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी आप इस ग्रुप से जो है अपने आप रिमूव कर दिए जाओगे. है ना, यानी कि आपको रिमूव कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के द्वारा, जैसा था वापस से नॉर्मल हो जाएगा. है ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका आपको रिप्लाई व्हाट्सएप चैट में ही देखने को मिल जाएगा. और अगर आपको कभी भी दोबारा प्रॉब्लम आता है तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप फिर से इनसे ऐसे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो. फिर से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, टिकट नंबर दे दिया जाएगा, फिर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा व्हाट्सएप चैट में ही, आपकी प्रॉब्लम जो होगी उसका सलूशन दे दिया जाएगा. ये यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस है जिसका यूज़ करते हुए आप व्हाट्सएप से बहुत ही आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप से चैट कर सकते हो, वो भी व्हाट्सएप के द्वारा ही. जी हाँ, व्हाट्सएप चैट में. तो ये गाइस व्हाट्सएप ने एक नया और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूज़फुल फीचर लॉन्च किया है जिससे कि बहुत सारे व्हाट्सएप यूज़र्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है. तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये फीचर को सुनने के बाद. बाकी आपको ये फीचर कैसा लगा कमेंट करके बताइए. ऑफकोर्स सी बात है सबको ये फीचर बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो उम्मीद है आप इसका यूज़ करेंगे और जो भी फीडबैक्स हैं वो व्हाट्सएप को देंगे. है ना, और ये नेविगेटर वाला फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है. वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबना चाहिए सभी की ओर से, शेयर कर देना इस वीडियो को तो सभी के साथ, ये बहुत ही ज़रूरी है. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी. व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.